well, now we are moving forward that these financial assets that we are having with us and that we have initially measured at its fair value plus transaction cost. so these financial assets are now to be measured subsequently at different methods. okay, and these are the different methods, key classification ki be reason Okay. So how do we classify these financial assets? Remember, we are talking about the financial assets, which are non-current assets. Okay. Well, and we are talking about investment in debt instruments and investment in equity instruments. Well. How we will classify these investment in debt or equity instruments? Yes. This classification is in fact depending upon the methods that we use for their measurement after its recognition at initial stage. In Tamamal Fasco, but I chased Chega. इनिशियल स्टेज पे आपने इसकी मेजरमेंट की फेयर वैल्यू प्लस कॉस्ट उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई मेजरमेंट अब सबसिक्वेंटली मींस जो पहली, पहली ही बैलेंस शीट डेट है भले बिकम सब्सिक्वेंट तो जो सब्सिक्वेंटली उसकी मेजरमेंट होगी वो तीन मेथड्स यूज करके वो मेजरमेंट हो सकती है लॉस एफ वीटी पी एल कहलाता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम एफ वी टी ओ सी आई कहलाता एंड एमोरटाइज कॉस्ट तो यह तीन मैथड है एफ वी टी पी एल एफ वी टी ओ सीआई एंड एमोरटाइज कॉस्ट अब यह आपके तीन मैथड्स की बेस पर आपकी क्लासिफिकेशन हो रही है उस फाइनेंशियल एसेट की जो कि नॉन करंट एसेट है all right what is fvtpr fair value through profit or loss a fair value through profit or loss jo investment aapki acha dekho pehle to samajh lo ke fvtpl kya kya rahe hain hum ye keh rahe hain ki humne pehli balance sheet date par जब उस investment in debt और investment in equity instrument को remeasure करना है उसकी fair value पर वट एवर द डिफरेंस दैट वुड बी कॉज वो प्रॉफिट लॉस में गेन और लॉस के तौर पर जाएगा पांच हजार की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी सपोजली आपकी बैलेंस शीट डेट पर उसको जब रीमेजर किया उसकी फेयर वैल्यू होगी पांच हजार सात सौ तो सेवन हंड्रेड जो इंक्रीज हुई गेन हुआ ना वो गेन कहां शो करेंगे प्रॉफिट और लॉस में इसको कहेंगे एफ वी टी पी एल का मेथड जिसके तहत आप उसको अब क्लासिफाई कर रहे हैं कि ये ऐसा फाइनेंशियल एसेट है जो फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मैर होता है सबसिक्वेंटली अच्छा वो कौन से एसेट होते हैं जो सबसिक्वेंटली फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस मैयर होते हैं उनके बारे में एक सादा सी बात ये जेन में रख लीजिए ये वो हैं जो कि आपके एमोर्टाइज कॉस्ट या एफीओ पर मैयर होने की काबलियत नहीं रखते यानी कि उस मॉडल पे पूरा नहीं उतरते तो जो एफ वी टी ओ सी आई या Amortized Cost पर ना हो सकते हो वो जाते हैं एफ वी टी पी एल में राइट ओके right? okay. अब इसका मतलब है कि एफ वी टी ओ सी आई और एमोरटाइज कॉस्ट को समझना ज्यादा जरूरी है ठीक है वो समझ आ जाएगा तो फिर हमें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि एफ वी टी पी एल में किस तरीके से उसकी वो क्राइटेरिया बनता है लेकिन एक पॉइंट लास्ट में जो मैंने लिखा हुआ उसको जरूर समझ लीजिए कि ये उस पर भी एज वेल एज यस एज वेल एज ये उस पर भी अप्लाई करता है दैट द एंटिटी इलेक्ट्स टू बी मैर्ड अंडर एफ वी टी पी एल अगर किसी फाइनेंशियल एसेट को हमने इलेक्ट कर लिए हम चाहते हैं कि वो एफ पे हो क्यों चाहते हैं वो थोड़ी सी बहस आपके लेवल पर नहीं है अभी आप उसको यूं समझ लीजिए अगर आप चाहते हैं ओके एक होता है, mismatch, उसकी आपको जो है वो एफ ई टी पी एल पर ही करना पड़ता है अकाउंटिंग मिसमैच को अवॉइड करने के लिए आपके अभी एडवांस्ड अकाउंटिंग लेवल टू के अंदर मैं उतना कॉम्प्लेक्स नहीं आपको लेके जाना चाह रहा सिंपल ये कि आप कहते हैं कि जी हमने इलेक्ट कर लिया कि हम इसको एफ वी टी पी एल पर ही मैयर करेंगे तो आप एफ वी टी पी एल पर मैयर करें वट एवर द मेजरमेंट री मेजरमेंट डिफरेंस इन आवर वट एवर द री मेजरमेंट डिफरेंस ऑन द बैलेंस डेट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट दैट वुड बी रिकोगनाइज एज गेन और लॉस इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड दैट्स इट ओके अच्छा अब एफ वी टी ओ सी आई फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम अब एफ पी -E, के लिए जो जरूरी बात है वो क्या है कि आपने वो जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन्वेस्टमेंट इन एक्स वाई जी कंपनी आपके पास एसेट के तौर पे नजर आ रही है बैलेंस शीट में उस इन्वेस्टमेंट को रीमेजर किया आपने और वही मैंने जो आपसे बताया फाइव थाउजेंड से वो प्लस होगी सेवन हंड्रेड से प्लस होके फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड हो गई सेवन हंड्रेड हो इंक्रीज होगी वो सेवन हंड्रेड की इंक्रीज प्रॉफिट लॉस में नहीं लेकर जानी बल्कि आपने अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में उसको शो करना गेन के तौर पे अब वो जो अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में शो करना है उसकी क्या बनेगी? उसकी ये बनेगी कि ये वो इन्वेस्ट अब ये मॉडल है उसका ठीक है अब ये वो इन्वेस्टमेंट है जिस पे हम दो बातें अप्लाई करते हैं पहली बात क्या कि उसके जो आपने होल्ड किया हुआ ये कोलेक्ट कर रहे हैं उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एज वेल एज आप उसको सेल करने का मॉडल रखते हैं ताकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं समझ लें आसान कर देते हैं चीज को आसान कर देते हैं आपने एक इन्वेस्टमेंट की हुई है शेयर में एक्स वाई सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए आपने अब वो इन्वेस्टमेंट जो फाइव थाउजेंड रुपीज में आपने की है मैं आसान एग्जांपल ले रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट थर्टी फर्स्ट दिसंबर ट्वेंटी एक्स वन जो कि आपकी बैलेंस शीट की डेट है उस पर फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड की हो गई अब वो इन्वेस्टमेंट आपने की भी थी कि जी इसपे जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश ल्यूज पे एक अमाउंट ऑफ डिविडेंट आपको मिलती है आपका कॉन्ट्रैक्ट है आपको वो मिल गया अमाउंट ऑफ है जो भी है वो आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंट मिल गया इस साल में या पिछले सालों में भी डिविडेंड आपका कैश आपको मिल रहा okay? है है ओके मैं इस पे बता दू के बाजूकात डिविडेंट भी कॉन्ट्रेक्चुअली फिक्स हुआ होता है कि जी इतना अमाउंट ऑफ डिविडेंट होगा या आप इस पर इंटरेस्ट की बात कर लें whatever, आपका लेट्रेक्चुअल कैश फ्लो है इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको मिल गया और आप एक बिजनेस मॉडल रखते हैं वो क्या बिजनेस मॉडल है कि आपने इसको टिल मेच्योरिटी इसके कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नहीं लेने ना ही आपकी इसकी कोई मेच्योरिटी वैसे भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स की कोई मेच्योरिटी नहीं है आपने इसको सेल करना है ताकि जब भी इसका गेन मुझे ज्यादा हो रहा हो प्रॉफिट ज्यादा बन रहा हो तो मैं इसको सेल कर दूंगा तो अब आप दो चार साल पांच साल इसकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद आप इसको सेल कर देने की नीयत रखते हैं तो इस मॉडल पे अगर आप हैं तो ये जो 700 की गेन है इसको अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम में आप प्रेजेंट करेंगे प्रॉफिट और लॉस में प्रेजेंट नहीं करेंगे एट द पॉइंट और अदर कॉम्प्रीहेंसिव इनकम क्या है ये हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हुए हैं जब हमने कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पढ़ा था कि एक कॉम्पोनेंट है जहां पर हम गेन्स और लॉसेस को क्लब करते हैं ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद आप बनाते हैं जस्ट ऐसे आपको रिकॉल करवा रहा वेल well, अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उसको आप कैटेगराइज कर रहे हैं कि उस पर एमोटाइज कॉस्ट मॉडल अप्लाई होगा तो आप वो कौन सा क्राइटेरिया या वो कौन सा बिजनेस मॉडल है जिसको मीट करते हैं तो आप एमोटाइज कॉस्ट मॉडल उस पर अप्लाई कर रहे हैं वो देखिए ये वो कैटेगरी है जिसमें आपका बिजनेस मॉडल क्या है ओवरऑल आपके बिजनेस लाइक आप एक बैंक है बैंक का बिजनेस मॉडल क्या है बैंक जब भी इन्वेस्टमेंट करता है ओके या किसी को लोन एडवांस करता है अब जब वो लोन एडवांस कर रहा है वो उसकी बुक्स में एसेट के तौर पर है उसका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो क्या है उस पर इंटरेस्ट रिसीव जब भी हमने लास्ट मॉड्यूल के अंदर देखा था सेवन परसेंट इंटरेस्ट रिसीव होगा उसका दो साल और दो साल के बाद उसको वन मिलियन रिसीव होगा याद आया वो वाला मॉड्यूल अगर स्किप कर गए हैं तो दोबारा से इसका लास्ट मॉड्यूल है उसको देख लीजिएगा आप उसके सेवन परसेंट इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं दो साल कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है और दो साल पूरे होने पर वन मिलियन आपने जो कर्ज दिया हुआ था वापस ले रहे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है तो इसका मॉडल देखिए क्या है? के ये वो कैटेगरी है जिसमें फाइनेंशियल एसेट जिसमें बिजनेस मॉडल उसका ये है कि वो उसको होल्ड करेगा टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो एंड वो पॉइंट है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं उसके जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो क्या है भाई सोलली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट के हैं ये वो मॉडल कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जो रिसीव करेगा इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल देखिए जो फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रीहेंसिव था उसके अंदर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो तो था लेकिन आप उसके प्रिंसिपल अमाउंट को वापस रिसीव करने का मॉडल नहीं था आपका बल्कि बेचकर प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करने का था यहां पर बेचने का जवाब कोई भी नहीं है यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो स्टिल मेच्योरिटी आपने लेने हैं थैंक यू